दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 50 रुपए से भी सस्ते भाव में मिल रहे हैं एक ऐसे पेन स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो करंट लेवल्स पर और करंट वैल्यूएशंस पर काफी ज्यादा अंडर वैल्यूड और अट्रैक्टिव नजर आ रहा है और ये स्टॉक आगे चलकर 500 रुपए, 1000 रुपए, इवन 2000 रुपए तक भी जा सकता है। एंड अगर आपने इस स्टॉक में सही समय पर निवेश कर दिया तो आप इस स्टॉक से बहुत बड़ी संपत्ति खड़ी कर सकते हैं। और जिस स्टॉक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है। ये एक बहुत ही छोटी कंपनी है लेकिन आज आप वैल्यूएशन वाइज देखिए जिस तरह से ये कंपनी परफॉर्म कर रही है उस हिसाब से ये कंपनी अभी बहुत ज़्यादा चीप प्राइस पर मिल रही है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस स्टॉक ने पिछले 5 साल में बहुत ही अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं और आने वाले 5 सालों में ये स्टॉक इसी तरह से परफॉर्म कर सकता है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। लेकिन फर्दर डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसा ही कंटेंट समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए अपने इस स्टॉक की ओर बढ़ते हैं और जानते हैं इसके बारे में। तो जिस स्टॉक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो केमिकल सेक्टर का एक पेन स्टॉक है और ये कंपनी 2 तरह का मेन केमिकल मैन्युफैक्चर करती है। पहला है रिफाइंड ग्लिसरीन और दूसरा है स्टेराइक एसिड। केमिकल बिजनेस के अलावा इनका एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस भी है जिससे कंपनी का लगभग 12% रेवेन्यू जनरेट होता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसके केमिकल बिजनेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनके केमिकल बिजनेस के अंदर यह कंपनी रिफाइंड ग्लिसरीन केमिकल मैन्युफैक्चर करती है जो कि एक प्रकार का कलरलेस और ऑडरलेस लिक्विड है जिसका यूज काफी सारी इंडस्ट्रीज के अंदर जैसे कि फूड्स, फार्मास्यूटिकल्स, कॉस्मेटिक और केमिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। दूसरा केमिकल जिसको ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वो पीवीसी ग्रेड स्टेराइक एसिड है जिसका यूज पीवीसी सेगमेंट के अंदर किया जाता है। लाइक जो पीवीसी इंडस्ट्रीज होती हैं वो इस केमिकल को एज ए शॉर्पनिंग पॉलीमर की तरह यूज करती है। इन केमिकल्स के अलावा यह कंपनी रबर ग्रेड स्टेराइक एसिड, कैंडल ग्रेड स्टेराइक एसिड, वंडर ग्रेड स्टेराइक एसिड भी मैन्युफैक्चर करती है। जिस केमिकल कंपनी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है रितेश इंटरनेशनल लिमिटेड जिसको साल 1981 में एस्टेब्लिश किया गया था और इनके जो ऑल टाइम क्लाइंट्स हैं वो 1 लाख से भी ज्यादा है। साथ ही इस साल 179 नए क्लाइंट्स कंपनी से जुड़े हैं। अब इस केमिकल कंपनी में इतना क्या खास है जिसकी वजह से हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं? तो इसके लिए सबसे पहले हमें इसके फंडामेंटल्स को देखना होगा। अगर आप कंपनी की कंपाउंडेड ग्रोथ को देखते हैं तो वो बहुत ही शानदार तरीके से बढ़ रही है। अगर आप इस कंपनी की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ को देखें तो पिछले 10 साल में 21% से बढ़ी है जो कि एक हाई ग्रोथ कंपनी की विजिबिलिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट पिछले 5 साल की सेल्स ग्रोथ को देखें तो उससे भी शानदार है, लगभग 46% से कंपाउंड हुई है। पिछले 3 साल में 52% से और करंटली इस साल 88% की कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कंपनी ने दर्ज की। तो दोस्तों सेल्स वाइज कंपनी काफी शानदार परफॉर्म कर रही है। अगर हम कंपनी की कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ को भी देखते हैं तो पिछले 10 साल में 16% से बढ़ी है, पिछले 5 साल में 100% से भी ज्यादा है, 3 साल में 324% तक बढ़ा है और करंटली इस साल 67% से बढ़ा है। तो दोस्तों सेल्स वाइज एंड प्रॉफिट वाइज ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा बेहतर नज़र आता है और इससे हमें ये इंडिकेटर मिलता है कि कंपनी अपना बिजनेस काफ़ी शानदार तरीके से कोऑपरेट कर रही है। इसी तरह हम कंपनी की सेल्स को देखते हैं तो पिछले 5 साल में कंपनी की जो सेल्स हैं वो 35 करोड़ से बढ़कर करंटली 168 करोड़ हो चुकी है, यानी कंपनी की जो सेल्स हैं पिछले 5 साल में ऑलमोस्ट 5 से 6 गुना हो चुकी है। अब इसके नेट प्रॉफिट को भी देखें तो पहले इसका नेट प्रॉफिट कुछ खास नहीं हुआ करता था लेकिन पिछले 2 सालों से कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। साल 2021 में 2 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट हुआ था और साल 2022 में 4 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था एंड अभी करंटली बढ़कर 5 करोड़ हो चुका है जिसमें हमें ईयर ऑन ईयर 100% से भी ज़्यादा की जंप देखने को मिल रही है। अब अर्निंग पर शेयर की भी बात करें तो अर्निंग पर शेयर पिछले 2 सालों में डबल से ज़्यादा हो चुका है, 2 रुपये से बढ़कर अभी करंटली 5 रुपये 80 पैसे पर पहुँच चुका है। नेक्स्ट अब कंपनी की वैल्यूएशन की बात करें तो ये स्टॉक अभी अंडर वैल्यूड प्राइस पर मिल रहा है। इसका जो मार्केट कैप है वो लगभग 53 करोड़ है और करंटली ये स्टॉक 62 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है एंड जो स्टॉक का पीई रेशियो है वो 10.3 है। इंडस्ट्री पी देखा जाए तो वो 24 के आसपास है।
इसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो 126 रुपीज़ है और अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से भी अभी ये स्टॉक नीचे ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 23.7% है, रिटर्न ऑन इक्विटी 22.9% का है और दोनों ही रेशियोज काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आते हैं। इसके अलावा कंपनी पर जो कर्ज है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, 0.38 इसका डेट टू इक्विटी रेशियो है जो कि नेग्लिजिबल है। 6,83,00,000 रुपए का कंपनी पर टोटल कर्ज है एंड इस साल का जो नेट प्रॉफिट है वो लगभग 5 करोड़ के आसपास है, तो इसके नेट प्रॉफिट के हिसाब से यह कंपनी अपने डेट को इजीली मैनेज कर सकती है। कंपनी के जो रिजर्व्स है वो 9.44 करोड़ हैं एंड जो PEG रेशियो है वो 0.10 है और किसी भी कंपनी का अगर PEG रेशियो बिलो 1 चला जाता है तो उसे अंडर वैल्यूड प्राइस पर कंसीडर किया जाता है। लेकिन यहाँ तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त नज़र आती है, इसका जो PEG रेशियो है वो 0.10 है जो कि इस स्टॉक को काफ़ी ज़्यादा अंडर वैल्यूड प्राइस पर सजेस्ट करता है। करंटली रितेश इंटरनेशनल लिमिटेड 63 रुपीज पर ट्रेड कर रहा है एंड पिछले एक साल में इस स्टॉक ने लगभग 108% के रिटर्न दिए, लेकिन पिछले 5 साल के रिटर्न्स अगर आप देखिएगा तो वो आपको बहुत ही भयंकर देखने को मिलेंगे एंड पिछले 5 साल में इस स्टॉक ने लगभग 1310% के शानदार रिटर्न्स दिए हैं। साल 2019 में लगभग 4-5 रुपए का ये स्टॉक हुआ करता था, लेकिन आज आप देखिए लगभग 60 रुपए से ज्यादा के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है और इन्वेस्टमेंट के लिए ये स्टॉक अपने फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स में 70% तक पास है और करंट जो ट्रेंड है वो बुलिश नजर आता है। फाइनली अब अगर हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी चेक करें तो प्रमोटर्स के पास मेजॉरिटी होल्डिंग्स हैं, 50% से भी ज्यादा की होल्डिंग्स प्रमोटर्स के पास हैं। DIS के पास छोटी मोटी लगभग 0.07% के आसपास की होल्डिंग्स हैं और पब्लिक के पास 49.28% की होल्डिंग्स हैं। प्रमोटर्स के शेयर होल्डिंग ट्रेंड को देखें तो पिछले 5 क्वार्टर से प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को थोड़ा सा भी डाइल्यूट नहीं किया, प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो स्टेबल रही है जो कि यहाँ पर पॉजिटिव चीज नजर आती है। एंड आप यहाँ पर कंपनी के प्रोज और कॉन्स वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हो। तो दोस्तों नो डाउट कंपनी फाइनेंशियल और टेक्निकल्स के मामले में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अपने पोर्टफोलियो में कंसिडर कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।